हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका आईजी ट्यूटोरियल्स में। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैसे आप लोग। तो आज के सेशन में हम लोग जो है सीजीएल प्री के कुछ क्वेश्चन, जैसे जैसे गैप में मुझे थोड़ा देर का टाइम मिलते चले जाएगा, मैं जो है सीजीएल 2017 का प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है लाते रहूँगा। जो अपना चल रहा है सेशन नॉर्मल टॉपिक का, वो तो आते ही रहेगा। बीच बीच में कभी कभी मुझे थोड़ा कम समय रहेगा, क्योंकि ये इस चीज़ का जो आपको सोल्यूशन देने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई चैप्टर पढ़ाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, क्वेश्चन प्रिपेयर करना होता है, कॉन्सेप्ट आपको कैसे समझाऊँ, लेकिन इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। तो जब जब भी गैप मिलेगा मैं आप लोग के बीच लेते आऊँगा ये चीज़। तो सीजीएल प्री का क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है हमारा 5th अगस्त 2017 का एम फॉर मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी 25 क्वेश्चंस यहाँ से मैथ से पूछे जाते हैं, 25ों का अपन सॉल्यूशन देखेंगे जो भी है। हालांकि ऑलरेडी 75% या 70% जो है सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं, पूरा एडवांस मैथ्स हो चुका है, टाइम एंड वर्क, एलिगेशन एंड मिक्सचर, एवरेज हो गया है, पार्टनरशिप चल ही रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया है। इसके अलावा और एक दो टॉपिक अपन कर ही चुके हैं। तो चलिए, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए। यदि आपको अपनी इच्छा है, यदि आप चाहते हैं आईजी ट्यूटोरियल्स को सपोर्ट करें, तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो है, आपके स्क्रीन के ऊपर एक पेटीएम नंबर या एक फ़ोन पे नंबर, दोनों नंबर सेम है, डिस्प्ले हो रहा होगा। जो भी जितना भी आप अपने इच्छा से यदि चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडियू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का 51 क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू डिजिट्स ऑफ द नंबर 347xy सच दैट द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 80, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में भी ये डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। देखिए, अब आपको दिया गया है 347x और वाई, और बोला है कि 80 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 80 से कम्प्लीटली डिविजिबल है मतलब कि नीचे वाला 10 का मल्टीपल है तो ऊपर वाला भी 10 का मल्टीपल होगा, यानी कि ये लास्ट डिजिट जो है वो जो है पक्का आपको जीरो होगा, यानी कि वाई का वैल्यू जीरो आ गया। अब आपके पास नंबर क्या बच गया, इससे इसको काट देंगे, जीरो जीरो कट गया, 347x/8। अब आपको पता है कि यदि दो का मल्टीपल होता है तो लास्ट का वन डिजिट क्या होता है, आपको दो का मल्टीपल, चार का मल्टीपल होने के लिए लास्ट का दो डिजिट, आठ का मल्टीपल होने के लिए लास्ट का तीन डिजिट, 16 का मल्टीपल होने के लिए लास्ट का फोर डिजिट 16 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सिमिलरली आठ का मल्टीपल होने के लिए आपको इतना चीज, यदि आठ का मल्टीपल है तो पूरा संख्या भी आठ का मल्टीपल होगा। अब देखिए 47x, आठ से यदि इसको डिवाइड करेंगे, 8 × 5 = 40, 7 बच गया, 7 पे x। अब आठ का कौन सा मल्टीपल है जो 70 से थोड़ा ज़्यादा आता है और 80 के बीच में, 8 × 9 = 72, 8 × 2 = 80, यानी कि x का वैल्यू जो है 2 रखेंगे तभी तो 8 × 9 = 72 आएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल। इसका मतलब x का वैल्यू 2 आ गया। पूछा गया है आपसे x प्लस वाई का वैल्यू, यानी कि 2 + 0 = 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकेंड हो गया। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेन एंड पेपर नहीं भी उठाते, आपको सिंपली वाई जो है जीरो दिख रहा है, फिर आप लास्ट का थ्री डिजिट उठाते, 8 × 5 = 40, 7, यानी कि 72 होना ही पड़ेगा, एक्स का वैल्यू 2 है तो सम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, चूंकि मैं समझा रहा हूं तो आपको हर एक चीज समझाते चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वॉक इन 20, 24 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली, ऑल थ्री ऑफ देम स्टार्ट्स टुगेदर, बट आफ्टर 4 डेज ए लिव्स द जॉब एंड बी लेफ्ट द जॉब 6 डेज बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड, ओके कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन, यानी कि सी जो है, सी यहाँ पे कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क अलोन, देन हाउ इन हाउ मेनी डेज वॉज द टोटल वर्क कंप्लीटेड। ए बी सी, एलसीएम मेथड भी आराम से आप ले सकते हैं। ए बी सी क्या, 20, 24, 30 है, इसका मल्टीपल एक्स ले लेंगे, यानी कि 20, ए जो है प्रतिदिन 6 काम कर रहा है, बी 5 काम कर रहा है और सी 4 काम कर रहा है। ए कितना दिन के बाद छोड़ देता है, ए छोड़ देता है 4 दिन के बाद, यानी कि 4 दिन तक काम किया। बी क्या करता है, पूरा काम होने से 6 दिन पहले, यानी कि x − 6 ले लेंगे। सी पूरा काम एक्स डेज करता है। अब ये दोनों इक्वेट कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, 6 × 6 = 24, और इधर आ जाएगा −30, 6 × 6 = 24 और −3 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी कि −6 प्लस एक्स वाला कितना आ जाएगा, 5x + 4x, यानी कि 9x बराबर कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 120, जो कि आपने एलसीएम लिया है, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 129, 120 ए आपको आया,
सॉरी 24 और 5 छक्का 30, ओके। 129 कैसे आ जाएगा, 20 और 6 126 आ जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 एक आई 9 और 3 9 चौका 36 आ गया, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 14 दिन आ गया। आपसे पूछा क्या गया, इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड, टोटल वर्क कंप्लीट कितना में लिए थे आपने, एक्स डेज में, एक्स का वैल्यू कितना आया, 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या बोला, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 17.5 सेंटीमीटर इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, ओके, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। एक सर ये आपको स्फीयर दिया गया है, इसको कट करके जो है टू हेमिस्फीयर बनाया जाता है। चलिए, टू हेमिस्फीयर इस तरह से बना दिया गया। अब आपको पता है कि इसका एरिया क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर। सेमी सर्कल, सेमी स्फीयर का, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया टोटल क्या होता है आपको, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, 3 पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो टोटल ये आपको दोनों मिलकर कितना आ जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर। तो इंक्रीज कितने का हुआ है आपको, इंक्रीज हुआ है आपको 2 पाई आर स्क्वायर का। अब रख दीजिए इस वैल्यू को, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है, डायमीटर 17.5 दिया है, तो आर कितना हो जाएगा, 17.5/2, यानी कि 17.5 × 17.5/2×4। इसको डेसिमल को हटा दीजिए तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको काटेंगे 25 × 7 = 175, 25 × 100, 7 से 7 चला गया। अब आपके पास 22 दुना ऊपर वाला जो आएगा, 22 दुना 44 आएगा, तो उसको भी आप काट सकते हैं, 4 से इस पूरे को 11 टाइम्स काट सकते हैं। अब देखिए आपके पास कितना आ गया, 11 × 175 आ गया, 175 को 10 से गुना करेंगे 1785, या ऐसे भी कर लीजिए 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77, 5 = 82, 8 × 11 = 11, 8 × 19 = 4। अब इसको आप यदि कैंसिल करेंगे कितना है, 4 × 16, 3 × 4 = 8, 32, 4 × 4, ओके, ये आपको आ जाएगा कितना, 0.25, यानी कि 481.25, ऑप्शन सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला, आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 34% इन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹3168, व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बोला कि 34% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 3168 रुपया में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल, यानी कि ए मार्क प्राइस है, ए आपका सेलिंग प्राइस है। अब इसमें छूट कितना का दिया जाता है, 34% का छूट दिया जाता है, यानी कि मार्क प्राइस को एक्स लिखेंगे तो एक्स का कितना हो जाएगा, 0.66% आपको सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3168 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 11 × 66 जाएगा, ये कितना, 11 × 22, 9 × 11 = 88, 11 × 88 अगेन जाएगा, 6 × 24, 4 × 6 = 48, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 4800। अब आपसे पूछा ही गया है अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, उसी को x लिए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला है, इफ 3/7p = 4/11q देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। बहुत इजी क्वेश्चन है, 3/7p = 4/11q, ये तो इजी क्वेश्चन है बहुत। पी बाई क्यू आपको कितना आ जाएगा, 4 × 7 = 28, 11 × 3 = 33 आ गया आपको, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 28/33, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, एवरेज का क्वेश्चन। जस्ट रिसेंटली अपन एवरेज देखे थे, द एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट इज 60, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 रिजल्ट इज 57 एंड लास्ट 9 रिजल्ट इज 65, देन व्हाट विल बी द 9th रिजल्ट। बहुत क्वेश्चन कराए हैं, सबसे पहले तो बोला है कि 17 लोगों का एवरेज आपको 60 दे दिया है, शुरू का 9, ओके, शुरू का 9 का एवरेज कितना दिया है आपको, 57, फिर लास्ट का 9, इसका एवरेज कितना दिया है आपको, 65। अब आप एक चीज गौर से देख रहे होंगे कि इधर 8 और इधर 8, यानी कि ये जो बीच वाला है, नौवां जो 9th नंबर है, वो आप दो बार कैलकुलेट कर रहे हैं। यदि नहीं करते कैलकुलेट तो उसका एवरेज कितना है, 60 ही आता, लेकिन दो बार कैलकुलेट करने से अलग अलग जो है, पहले 9 का एवरेज 57, दूसरे 9 का एवरेज 65 आ रहा है। आप देखिए ओवरऑल एवरेज कितना है, 60, यहाँ पे कमी एवरेज में कितना हो रहा है, 3 का, क्योंकि 57 हो रहा है, तो 9 लोगों का 3 का एवरेज कम हो रहा है, यानी कि -27 हो रहा है।
फिर यहाँ पे 9 लोगों के लिए देखिए 65 हो रहा है, यानी कि प्लस 5 एक एक आदमी का हो रहा है। टोटल 9 लोग हैं तो यानी कि इंक्रीज कितना हुआ, 45 का। अब इंक्रीज और डिक्रीज को आप कंपनसेट कीजिए, कितना आ रहा है, 18 का इंक्रीज आ रहा है। इसका मतलब जो नाइन्थ नंबर है वो कितना हो जाएगा, ओवरऑल एवरेज में 18 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 78। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। यदि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आ रहा है, एवरेज का सेशन में जाकर देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन, ये जस्ट एवरेज एक कॉन्सेप्ट पे ही पूरा चैप्टर 14 सेशन मैंने बनाया है। एक ही कॉन्सेप्ट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का, वहीं से सब कुछ चलता है, तो आप एवरेज का चैप्टर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला है, फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 170% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाय 20% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, देन व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 170% की यदि उसको लाभ होता है, तो सेलिंग, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली 270 हो जाएगा। बाद में बोला है कि कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दिया, यानी कि 120 कर दिया, लेकिन सेलिंग प्राइस जो है अभी भी वही है, तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया है, क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो कि आपको 150 बटे आपका क्या है कॉस्ट प्राइस 120 है, गुना 100 कर दीजिए, 0 0 कट गया, 3 चौका 12, 3 5 15, 4 से 25 टाइम जाएगा, यानी कि परसेंटेज नया वाला कितना आ जाएगा 125%, ऑप्शन फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला है कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। संख्या x ले लिए तो 17% क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, यदि आप 17% का किसी संख्या का ले रहे हैं, चलिए इसको फिर से मैं ऐसे कर देता हूँ, किसी संख्या का 17% यदि आप निकालना चाह रहे हैं तो चीज़ कितना होगा, देखिए इजी क्वेश्चन है, यहाँ क्या बोला है, एक्स का जो आपको 17% है वो क्या बोला है 32% से 120 ज़्यादा, यानी कि 120 बराबर एक्स का 32%, यानी कि आपको एक्स का 15% क्या आ रहा है 120, तो कौन सी संख्या का 15% 120 आएगा, सीधा सीधा देख रहा है कि किसका डेढ़ा जो है, यानी कि डेढ़ गुना आपको 1200 आ जाएगा, यानी कि सीधा सीधा ऑप्शन फोर देख रहा है, ऑप्शन मार्क कीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करना है आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला है, ईजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता दूँ, चलिए वैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस शुरू ही करने वाले हैं। क्या बोला है आपको कि अ बोट गोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 10 होल 1/2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स 15 मिनट्स, ओके, इट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। करना आपको कुछ नहीं है, यदि आप बैलेंस जो है इक्वेशन बन रहा है आपके दिमाग में, एक इक्वेशन बन गया होगा, उसको यदि आप चाहते हैं दिमाग में ही सॉल्व करना तो कर सकते हैं। देखिए क्या है, आपको मेन है कि आप क्या कर रहे हैं, 15 किलोमीटर जो है अपस्ट्रीम जा रहे हैं, फिर 10.5 यानी कि 21/2 जो है डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, कितना देर में जा रहे हैं आप 3 आवर्स 15 मिनट में, यानी कि आप इसको 13/4 आवर्स भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोला है कि 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जो है वो कितने देर में जा रहा है, 3 आवर्स में। तो यदि आप किसी एक को यहाँ से नेगलेक्ट करने का मतलब कैंसिल आउट करना चाहते हैं दोनों इक्वेशन से, तो आराम से आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पहले इक्वेशन को आप 15 चौका 60 चार से गुना कर दीजिए, दूसरे इक्वेशन को 5 से गुना कर दीजिए। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, पहला वाला आ गया 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ओके, इसको 4 से गुना किए 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये कितना आ जाएगा 13 आवर्स में। फिर ये आपको आ जाएगा 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 14 5 70 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये कितने आवर्स में आ जाएगा, 15 आवर्स में। अब सेकेंड में से दो को घटा दीजिए, ये चला गया 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, आपको कितने आवर्स में जाएगा, 2 आवर्स में। तो एक डाउनस्ट्रीम जो है, 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जो है आपको कितने आवर में जाएगा, 1/14 आवर्स में। चलिए यहाँ तक तो समझ गए। अब आप एक चीज़ देखिए कि राइट साइड में आपने क्या लिया है, टाइम लिया है, तो लेफ्ट साइड में आपने टाइम लिया है कैसे, क्योंकि आपने यहाँ पे डिस्टेंस 1 किलोमीटर है उसको स्पीड से गुना किया है। इसका मतलब कि जो डाउन स्ट्रीम का स्पीड होता है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, किसी नदी में डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं आप, तो उसका कहने का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल स्पीड है x माइनस वाई आएगा, सॉरी x प्लस वाई आएगा, अप स्ट्रीम जाएंगे तो x माइनस वाई आएगा, जहाँ पे x जो है आपका
बोट का स्पीड होगा, वाई जो होगा करंट का स्पीड होगा। यदि आपको डाउनस्ट्रीम 1/14 आ गया तो अपस्ट्रीम भी निकाल सकते हैं, किसी एक ही क्वेश्चन में रख दीजिए आप, किसी एक ही क्वेश्चन में रखिए तो अपस्ट्रीम यानी कि यू का वैल्यू आपको आ जाएगा 1/6 आवर्स, इसको आप सॉल्व कर ले सकते हैं। अब आपको देखना क्या है कि यहाँ पे अपस्ट्रीम निकल गया, अपस्ट्रीम जो है ये क्या होता है एक्स माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम क्या होता है एक्स प्लस वाई, यानी कि अपस्ट्रीम का वैल्यू दोनों निकल गया एक्स प्लस वाई बराबर 1/14। ओके, 1/14 करने का मतलब है यहाँ पे 1/14 करने का मतलब ये 14 हट जाएगा। क्यों आपको यहाँ पे 14 हटेगा, जो 1/14 है वो नीचे वाले आपको क्यों इक्वेट कर रहे हैं देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो आप इक्वेशन बनाए हैं ना अपस्ट्रीम का, वो आप लिखेंगे 15 बाय अपस्ट्रीम स्पीड यहाँ पे, लेकिन आप इसको यू मान लिए हैं ऊपर ही, इसका मतलब नीचे वाले को आप ऊपर ले रहे हैं। एक्स माइनस वाई बराबर 6 आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे एक्स का वैल्यू 14 6 20/2 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम स्पीड शुरू करेंगे तो इस पे थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चन देख लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन ए वाला अप्रोच जो है बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, अ पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड इन 15 ईयर्स द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू रुपीज 250 लेस देन द सम लेंथ। ओके, व्हाट वाज द सम लेंथ, यानी कि कितना रुपया उधार दिया गया था। हम तो सिंपल देखें कि 5% पर एनम है, 15 साल के लिए है, यानी कि जो दिया जाएगा वो एक्स का 75% हो जाएगा। और वो क्या बोला है कि ये जो राशि है वो एक्चुअल जो आपने उधार दिया है एक्स, उससे 250 कम है। अब इसको आराम से आप कर सकते हैं, एक्स में से 75% को आप क्या लिख सकते हैं 3/4, तो एक्स माइनस 3x/4 क्या आ जाएगा 1/4x, ये आपको 250 के बराबर है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 1000 आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। कैसे आया कि देखिए, वैसे सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, पी आर टी बाई 100, उसी को तो किए, r दिया है, t दिया है, 100 दिया है, वहां से आ गया क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 अलजेब्रा आ गया आपको। अब देखिए अलजेब्रा तो और अच्छे से मैंने पढ़ाया, क्या बोला x बराबर 2+√3/2-√3। अब इसको कॉन्जुगेट से गुना करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 4 3 7 -2 2 2 4√3 आ गया, नीचे वाला 4 -3 1 आ गया। अब जैसे ही इसको मैंने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आ रहा है, इसका मतलब कि 1/x जो होगा इसका कॉन्जुगेट होगा, यानी कि 7+4√3। आपसे पूछा गया है एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x प्लस वाला पूछा है, तो बिना रूट वाले का सम आ जाएगा, यानी कि 7 7 14 आ जाएगा। यदि एक्स माइनस 1/x पूछा रहता तो जो आपका रूट वाला टर्म है उसका सम आपको लेना पड़ता, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझाए, इसका आंसर सीधा 14 आ जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, इफ एक्स बराबर 2+√3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2x, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, 2x का वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, 4+√3 हो जाएगा, √2x निकालना है तो यहां से भी आप 4+√3 को अंडर रूट कर देंगे। अब जैसे ही आपको ए प्लस रूट बी का फॉर्म का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, अलजेब्रा में सर्च एंड इंडिसेस में पूरा डिटेल में बताया है, यानी कि इसको फॉर्म करना पड़ता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, तो 4+√3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 2√3 × 1, यानी कि ये बाहर आ जाएगा, तो आपको आ गया √3+1 आ गया, यहां तक आ गया। अब आप देखिए एक्स टू रूट टू एक्स का वैल्यू ए आया आपको, तो 1/√2x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे कंजुगेट से ऐसे भी कर दीजिए, चलिए 1/√3+1 कंजुगेट से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा √3 -1/2 आ गया। अब आपको निकालना है √2x+1/√2x, ये आप दोनों को जोड़ दीजिए, √3+1+√3 -1/2, जो कि आपको क्या आ जाएगा 2√3+2+√3 -1/2, कितना आ जाएगा आपको 3√3+1/2, 3√3+1/2 ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 तो और इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, यदि आप मेरे वीडियोस फॉलो किए तो शायद इसके लिए क्वेश्चन उठाना, मतलब पेन एंड पेपर उठाना पड़ेगा, यदि आपको क्यूब याद है 11 12 13 14 15 ये सब का। x प्लस 1/x आपको दिया गया है क्या 4,
यहाँ से आप क्या कीजिए, स्क्वायर वाले टर्म पे आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 16 माइनस दो यानी कि 14, इसका क्यूब कीजिए क्योंकि आपको 6 लाना है, यानी कि x6 + 1/x6 6 पावर लाना है, यानी कि क्यूब करना होगा। क्यूब करने के लिए आपको 14 का क्यूब में से 3 × 14 घटाना होगा। 14 का क्यूब होता क्या है, 14 का क्यूब आपको 2744 होता है। यदि क्यूब याद है तो आराम से हो जाएगा, -42, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2702, ऑप्शन सी आपका, सॉरी ऑप्शन फोर्थ 2702 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला है, इफ वाई बराबर 2 − x / 1 + x देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ 1 / y + 1 + 2y + 1 / y² - 1। अब y का वैल्यू आपको 2 − x / 1 + x दिया है। अब ऐसा कीजिए x का वैल्यू 0 रख दीजिए, कुछ ना कुछ ऑप्शंस तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, तो नहीं यदि दो ऑप्शन सेम वैल्यू देगा तो कुछ और वैल्यू रखेंगे। पहला टर्म हम x को 0 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 2। अब जो निकालना है आपको उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 / y + 1 यानी कि 1 + 3, 2y + 1 2 × 4 = 1 / y² - 1 यानी कि 2 × 4 − 3, ये चीज़ कितना आ जाएगा, 5 × 6 / 3 यानी कि 2। अब ऑप्शन ए को चेक कीजिए, ऑप्शन ए कितना दे रहा है, 1 × 2 2 / -1 यानी कि -2, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक किए, 1 × 2 2 / -1 ये भी -2, ये भी नहीं होगा। सी को चेक किए, 1 × 2 2 / 1 यानी कि ये 2 आ रहा है, अभी तक सही है। डी को भी चेक कर लेते हैं, 1 × 1 / 2 यानी कि 1/2 ये भी नहीं आ रहा है, यानी कि 2 जो है केवल ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि आंसर जो है ऑप्शन सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 जो है आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, चलिए अपन ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी, ओके। इन ए ट्रायंगल एबीसी बीएसी बराबर 50 डिग्री, ओके। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी मीट्स एट पी, ओके। अब देखिए आगे क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीपीसी यानी कि ए वाला एंगल। अब आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर यदि दो एंगल बाइसेक्टर या तीन एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिलता है तो पॉइंट क्या होता है, आपको इन सेंटर होता है, और इन सेंटर में जो एंगल आई बनता है वो एंगल आई आपको क्या होता है, सॉरी एंगल आई आपको क्या होता है, उससे ऊपर वाले वर्टेक्स यानी कि 90+ ऊपर वाले वर्टेक्स के एंगल के वैल्यू का / 2 यानी कि 90 + 25 कितना आ जाएगा आपको, 115 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थ्री। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते तो आपको सीधा आइडिया आपको आंसर पे आता, क्योंकि जब भी आप इन सेंटर वाले ज्योमेट्री का वीडियो देखिए क्यों ऐसा होता है, 90 + a/2 इस क्वेश्चन का मैंने आंसर ज्योमेट्री में दिया है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला है, टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी एंड क्यू इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज 30 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज 40 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द रेडियस। अब आपको बोला है कि दो सर्कल इस तरह से दिया गया है, वो क्या बोला है, इंटरसेक्ट कर रहा है पी और क्यू पॉइंट पे। चलिए तो ए पॉइंट पी है आपका, ए पॉइंट क्यू है, ओके। अब क्या बोल रहा है आपको कि लेंथ ऑफ कॉमन कोड यानी कि यही तो कॉमन कोड होगा, इसका लेंथ आपको कितना दिया गया है, पी क्यू का लेंथ आपको दिया है 30। फिर बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, दो सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर का। तो अब जो कोड होता है, ये वाला कोड जो है क्या करेगा आपको, चूंकि सेम रेडियस का सर्कल है यानी कि बराबर बराबर भागों में बटेगा, तो देखिए पूरा पी क्यू 30 का है तो पी ओ कितना हो जाएगा, 15 का, और यहां से यदि आप सपोज सी ओ ले लेते तो ये कितना आ जाएगा, 20 का। तो आपसे पूछा गया है रेडियस यानी कि यही लेंथ तो पूछा गया है, एक आपको राइट ट्रायंगल बना, ए 15 का, ए 20 का, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट्स है यानी कि ए 25 का हो जाएगा, रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजी, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 67 अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला है, दी गई आकृति में एंगल क्यू आर एन इज 40 डिग्री, क्यू आर एन पी क्यू आर, क्यू आर और एन यानी कि ए वाला जो टेंजेंट के साथ एंगल बन रहा है वो आपको दिया गया है 40 डिग्री का, ओके।
एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ए वाला एंगल जो है आपको दे दिया है 46 डिग्री का, ओके। तथा एम एन बिंदु आर पर एक स्पर्श रेखा है, ओके। क्रमशः एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, जहाँ पे आपका एक्स क्या है, ए वाला जो एंगल है आपको, मैं बता दूँ कि एक्स क्या है आपको, ए वाला एंगल आपका एक्स है, ओके। ए वाला जो एंगल है वो वाई है और ए वाला जो एंगल है वो जेड है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ था आपके एग्जाम में, कुछ नहीं करना है। देखिए पी क्यू आर जो ट्रायंगल है वो एक साइक्लिक ट्रायंगल है, और एक थियरम होता है कि जब भी टेंजेंट और साइक्लिक ट्रायंगल बनता है तो टेंजेंट से जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा ए 40 डिग्री, इसके जो साइड से बनता है उसके अपोजिट के बराबर, यानी कि एक्स का वैल्यू 40 डिग्री। सिमिलरली यदि आप देखेंगे जो क्यू पे एंगल बन रहा है वो 46 डिग्री है, यानी कि जो इसके अपोजिट साइड पी आर है और टेंजेंट के बीच में वाई एंगल बन रहा है, ये भी आपको 46 डिग्री का हो जाएगा। अग्री? अब देखिए आर पे, आर पॉइंट पे टोटल 180 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर 46 है इधर 40 है, यानी कि 86, यानी कि जेड का जो वैल्यू कितना हो जाएगा, 94 डिग्री। तो अब आपसे एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा है, एक्स का वैल्यू 40, वाई का वैल्यू 46 और जेड का वैल्यू 94 डिग्री। कौन सा, 40, 46 और 94? ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला है, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर। चलिए कोई ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर, एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते, एक रफ आइडिया अपन कर सकते हैं कि ऐसा ट्राइंगल है हम लोगों का, एंगल पी क्यू आर, ओके। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एस मीट्स क्यू आर एट टी। तो मान लेते हैं कि भैया ऐसे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाता है जो ए भी 90 डिग्री, ए भी 90, तो एस पे है और इसको जो है पॉइंट क्यू आर को जो है टी पॉइंट पे मिलता है। अब एंगल टी पी आर 46 डिग्री दिया है, टी पी आर 46 डिग्री दिया है, और एंगल आर तो ऑलरेडी आपका 54 का दिया है, यानी कि ए वाला एंगल 54 डिग्री है। टी पी आर यानी कि टी पी आर ये वाला जो इतना एंगल बोल रहा है वो दिया है 46 डिग्री का। तो अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी क्यू आर, यानी कि ए वाला एंगल आपसे पूछा गया है। कोई नहीं है, जोर नहीं देना है दिमाग पे, इजी बनेगा। देखिए ट्राइंगल पी टी आर में गौर से देखिए, दो एंगल दिया गया है, मतलब कि जो एंगल टी है वो कितना हो जाएगा, 54 और 46, 54 46 100 हो जाएगा, यानी कि इतना एंगल आपको कितना आ जाएगा, 80 डिग्री का। यहाँ तक कुल है कुल ना। अब आगे आपको क्या करना है, देखिए ट्रायंगल पी टी क्यू, ए जो ए वाला जो लाइन आपने खींचा है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ए साइड, यानी कि एस पी बराबर आपको एस क्यू दिया है, दोनों साइड बराबर हो गया। जैसे ही दोनों साइड आपका बराबर हुआ, इससे आपको क्या देखने को मिलेगा वो देखिए, आपको यहाँ पे एक कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन यानी कि एक थ्योरम आपको क्या लगेगा कि किसी भी त्रिभुज के जो अपोजिट वर्टेक्स से बेस पे यदि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं तो इसका मतलब जो है वो ट्रायंगल जब भी एक ही शर्त में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, एटलीस्ट जो है उसका दो साइड इक्वल होगा, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इससे आपको क्या यहाँ पे निकलेगा कि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल बराबर होगा, और इतना एंगल टी पे 100 है, यानी कि जो टी के इस साइड है वो 100 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब कि ट्रायंगल पी टी क्यू में जो आप देखेंगे 100 डिग्री प्लस एक्स, प्लस एक्स का वैल्यू 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 40 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकेंड, 40 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, आप इस 69 को जो है वैल्यू पुट करके आराम से कर सकते हैं, हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे वैल्यू पुट करने के बाद क्या होता है, आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, तो हम लोग वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि जो वैल्यू पुटिंग है वो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले जाता है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देख के ही लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। कैसे है, बोला है कि कॉट ए प्लस टेन बी बटे कॉट बी प्लस टेन ए। सिंपली आप क्या कीजिए, 1/10a प्लस टेन बी तो पहले से है, नीचे में आप इसको लिख दीजिए 1/10b, केवल tan cot को tan में बदलना है, प्लस tan a तो है। अब a क्या आ जाएगा, 1 + tan a tan b, बटे में क्या है आपको, tan a है।
नीचे भी आ जाएगा वन प्लस टेन ए टेन बी, और नीचे में क्या है टेन बी। हालांकि यहाँ लिख रहे हैं लेकिन ए स्टेप देख के आपको सीधा आना चाहिए कि भैया ए चीज होगा टेन बी बटा टेन ए। ऑप्शन की तरफ देखें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टेन बी इंटू कॉट ए। कौन सा ऑप्शन है कॉट ए का, कॉट ए टेन ए, ओके टेन ए इंटू टेन बी आपका पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, आंसर मार्क कर दिए। यदि आप यहाँ पे ए का वैल्यू कुछ 30 रखते, बी का वैल्यू 45 ये रखते तो फिर भी आपको देखना पड़ता कॉट 30 क्या हो जाएगा आपको रूट थ्री प्लस वन, फिर यहाँ पे वन प्लस वन बाई रूट थ्री, इसको मॉडिफाई आप सिंप्लीफाई करते सेम बात है ठीक है। तो वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में आप यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, सपोज 45 डिग्री ले लीजिए, 45 डिग्री लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा उसको मार्क कर दीजिए। चलिए मैं आपको इसका अप्रोच बताता हूँ कि कैसे करना है, वैल्यू पुट करके तो आप लोग भी कर लेंगे। देखिए क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 70 जो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, इसको अपन रेशनलाइज कर देंगे तो नीचे के ऊपर क्या आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपको कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि आपको क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, वो होता क्या है वन के बराबर, तो नीचे वाला तो वन हो गया। अब आगे वाले को आप साइन में बदल दीजिए, साइन में जैसे ही बदलेंगे तो वन बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, यानी कि वन प्लस कॉस ए बाई साइन ए आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने से भी आपको आराम से क्या आ जाएगा आपको ऊपर यदि आप करेंगे वन माइनस, यहाँ पे माइनस से किए हैं तो ये वन माइनस कॉस ए आ जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वन माइनस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए कर सकते हैं क्योंकि दो बार आपको स्क्वायर जो है, साइन ए को स्क्वायर से बाहर लाएंगे तो साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर ए को आप वन माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। देखिए वन माइनस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं वन प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए, एक वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए कट गया, बच क्या गया वन माइनस कॉस ए बटे वन प्लस कॉस ए। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन सेकेंड वन माइनस कॉस ए बटे वन प्लस कॉस ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप वैल्यू पुट करके भी आराम से कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 का भी दो तरीका बताता हूँ। पहला तरीका आप ऐसे कीजिए, इसको आप कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर वन बाई फोर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, वन को उस साइड ले जाएंगे आपको एक ही साइड रहने दे तो इधर आएगा तो थ्री बाई फोर आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू ऑप्शन ए रख के देखिए वन वन नहीं आएगा, वन बाई टू रखेंगे तो वन बाई फोर प्लस वन बाई टू, वन बाई फोर प्लस वन बाई टू है यानी कि टू, थ्री बाई फोर आ रहा है। इसका मतलब देख के लग रहा है कि ऑप्शन सेकेंड जो है इसका क्या हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर वन बाई टू आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म करते, हालांकि उसको ज़रूरत नहीं इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करना, चूँकि आपसे पूछा ही गया है साइन थीटा का वैल्यू और साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, तो क्यों ना आप ऑप्शन का हेल्प ले और इस क्वेश्चन को सही आंसर कर दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 जो है आपको डीआई का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए तालिका में एक महाविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों में कला विज्ञान वाणिज्य तथा व्यवसाय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। दिखाया गया है कि 2012 में जो है 847 है, साइंस 105, कॉमर्स 148, बिजनेस 132। सिमिलरली आपको 2013, 2014, 2015, 2016 का दिखाया गया है। अब इस डेटा को यूज करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स फ्रॉम 2012 टू 2016। अब देखिए 2012 में कॉमर्स में कितने बच्चे थे, 2012 में कॉमर्स का बच्चा यहाँ पे है 148। सिमिलरली 2016 में देखेंगे कितने बच्चे थे, 2016 में 168 बच्चे थे, 168। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीज हुआ 148 से 168 यानी कि 20 बढ़ा। ओरिजिनल आपको क्या है 148 इंटू 100। अब ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से इसको काटिए 74। अब आप देखेंगे
कि 1000 बाई 74 आया। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको आप एक टाइम्स काटेंगे तो उधर बच गया कितना आपके पास 26 बच गया, यानी कि 260 बटा 74 करेंगे 7×21, तो ये 7×28 करेंगे तो 280 हो जाएगा, हालांकि आपके पास कितना है 260 ही है। तो 13 दशमलव कुछ आया, ऑप्शन को देखिए, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं, 13 दशमलव कुछ वाला केवल एक ऑप्शन 3 है, मार्क कर देंगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला, व्हाट इज द सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम 2012 टू 2016। अब जो क्वेश्चन नंबर 72 था और 73 में डिफरेंस क्या है कि 72 में आपसे पूछा जा रहा था कि 2012 से 2016 तक डायरेक्ट कितना इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछा है एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि यहाँ पे आपको एवरेज ग्रोथ रेट पूछा गया है, यही एक डिफरेंस है इस दोनों क्वेश्चन में। तो 2012 में बिजनेस में कितने थे, 32 था, 2016 में बिजनेस में कितना हुआ 48, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज कितने का हुआ है 50% का, और एवरेज यदि इंक्रीज आपसे पूछा गया है तो कितना हो जाएगा 50/12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 4 साल है, तो एवरेज कितना हुआ 12.5%, ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग आर्ट्स पर ईयर एंड एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग साइंस पर ईयर। ओके, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर्ट्स के लिए और एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स साइंस के लिए, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ ईयर सेम है, यानी कि दोनों का सम का रेशियो ही लेना है। अब आर्ट्स में देखेंगे कितना है, 48, 56, 64, 78, 92, 8×6=14, 14×4=18, 18×8=26=28, 4×2=6=5=11, 6×17=17=17, 7×24=9=33, यानी कि 338 आ गया आर्ट्स वाला। आपसे पूछा ही गया था आर्ट्स बटे साइंस, साइंस वाला का आप ले लेते हैं, 5×3=8, 5×13=13, 8×21=22, उधर 2×10=12, 12×24=24, 36×36=50, 50×6=66 आ गया। इसको करेंगे 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100, ओके उधर 19 आ गया, यानी कि 169/331। अब और कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, और ऑप्शन में भी फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है 169/331, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला है, विच ईयर शोज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस 4 सब्जेक्ट्स ओवर द प्रीवियस ईयर, यानी कि चारों साल में पहले साल की अपेक्षा जो आने वाले वर्ष है उसमें किस साल में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे आपको ओवरऑल सबको सम अप करना ही होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। डीआई का 3 क्वेश्चन इजी दिया, ये भी क्वेश्चन इजी है बट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए तो 2012 वाले को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 48 और 32, 80 आ गया, 80 और 105, 285, 285 और 100, 385, 385 और 15 लेगा तो 400, उधर बच गया 33, 33, 100, 200, 300, ओके यानी कि 333 आ गया। इधर लेंगे कितना आ जाएगा 56, 86, 86, 186, 186, 14, 209, 209 और 36, 245 और 100, 345 आ गया। इसको करेंगे 64, 36, 100, 100, 125, 225, 225, 100, 325, 325 और 44, 369 आ गया। 78 करेंगे और 36 करेंगे, इधर 22 उधर 14, 114, 114 और 100, 214 और 48, 214, 262, 262 और 100, 362, 362 और 56, 38 उधर और 18 इधर, यानी कि 418 आ गया। इसको करेंगे 92 और 161, यानी कि 261 कर सकते हैं बट 8 घटाना पड़ेगा, यानी कि 253 और 48 करेंगे 47, 301 आ जाएगा, 301 और 100, 401, 401 और 68, 469 आ गया। अब इस दोनों में देखिए केवल 12 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आपको 24 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 12 का, यहाँ पे आपको 31, 18, 49 का, और यहाँ पे देखेंगे 18, 51 का। अब ये दोनों तो देख के लग रहा है कि ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, बात आती है आपको इस वर्ष में और इस वर्ष में।
अब 418 यानी कि परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो 49 बाई 418 ज़्यादा होगा कि आपको 49 और इधर 369 आ जाएगा, और नेक्स्ट ईयर का जो डिफरेंस है 51 का वो कितना आ जाएगा, 51 बटे प्रीवियस ईयर कितना है 418। तो ये आपको देख के लग रहा है कि भैया इस साल यही जो है आपको ज़्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 369 है। हालांकि 2 से इंक्रीज हो रहा है न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो ये चीज़ आपको एक आइडिया लगा लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि इस वर्ष में जो है सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये वर्ष किसका है, 2015 का ही वर्ष है, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डीआई के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको कैसे कंपेयर करें फ्रैक्शन को, ये सब चीज़ आपको अच्छा होना चाहिए। तो चलिए, ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना है तो फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।